लाइन है कि गुनाह करके कहाँ जाओगे साहब, ये जमी और ये आसमां सब उसी का है। अक्सर हम लोग देखते हैं बहुत ऐसे लोग दिखाई देते हैं समाज में जो बहुत ही सातिर किस्म के होते हैं, यस या नो? उनको लगता है ना कि पूरी दुनिया उनके मुट्ठी में है और किसी को चुना लगा सकते हैं। जो पढ़ाई करते हैं तब भी वो ऐसी हरकतें करते हैं, कमाई करते हैं तब भी ऐसी हरकत करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपने तरक्की के लिए, अपने फायदे के लिए किसी का इज्जत, किसी की जान तक भी ले लेते हैं। यस एंड नो, ऐसा होता है कि नहीं होता है बताइए? ऐसा होता है ना? और इनको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, ये किसी को कुछ कर देंगे, अपनी ताकत का, अपने पैसे का, या अपने जाति का, या किसी स्तर से कह सकते हैं, या अपने धर्म का, या अपने मतलब कि ग्रुप का, अपने संगठन का, ऐसे यूज करके ये लोगों को सताते हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है, हर लेवल पर सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करके, थोड़ा बढ़ाकर, ऐसा होता है ना? और ये लोग सोचते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ धरती पे, मैं ही कानून निर्माता हूँ, मैं ही संसार को चलाता हूँ। और गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, इनको उस समय ईश्वर नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी आस्था हो, अगर आपका ईश्वर के प्रति, आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, आस्तिकता आपके अंदर है, आप आस्तिक आदमी हैं, ईश्वर के प्रति आपके मन में श्रद्धा है ना, तो फिर ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हर गुनाह की सज़ा होती है। और प्रैक्टिकली देखिए ना, लॉजिकली भी सोचिए, प्रैक्टिकली भी देखिए कि जो जैसा किया है अच्छा किया है तो एक समय के बाद उसके साथ अच्छा हुआ है, जो बुरा किया है एक समय के बाद उसके साथ बुरा होता है। तो गुनाह करके कहाँ जाएंगे आप? ईश्वर की नज़र में आप नहीं बच पाएंगे। हमें नहीं समझ में आया, उसे समझ में नहीं आया, उसे समझ में नहीं आया, सबको चुना लगा दिया आपने। ईश्वर का हिसाब बड़ा तगड़ा होता है, और जब ईश्वर जब न्याय करता है ना, उस समय किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय कोई ही गवाही देने जाता है, बस टू द पॉइंट हिसाब होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि जीवन में सफल होना है, तरक्की करने हैं, ऊंचाइयों को छूने हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ऊंचा से ऊंचा काम करने का प्रयास करना है, लेकिन किसी को दबाकर, किसी को रुलाकर, किसी को मने मारकर कुछ नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है। अगर किसी को मतलब कि मारकर, किसी को रुलाकर अगर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो हम यही कहेंगे कि ऐसी जीत को ठोकर मारिएगा, हार कर चले आइएगा। इतना मेरा ज़रूर यकीन कीजिएगा, इतना बात ज़रूर मानिएगा, क्योंकि किसी के लाश के नीचे, किसी के लाश के ऊपर अपना महल खड़ा नहीं करना है, समझ रहे ना? कम से कम आप सब तो पढ़े लिखे हो ना, तो आप सब इस चीज़ को समझो ना। सफल होना है लेकिन दूसरे का हक छीन कर नहीं, याद रखिएगा, इतना बात ज़रूर मानने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे ना?